क्योंकि 80 से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन पूरे देश में सबसे पुअर है, सबसे खराब है तो बंगाल में है। मैं दो ही योजनाओं का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार दे रही है, और अब तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने अपने ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत करा दिए है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल के एक भी व्यक्ति इसमें ऑपरेशन नहीं कर पाई। किसान सम्मान निधि, हर किसान के खाते में सीधा 6000 रुपया, कोई बीच में कैडर नहीं है, कोई टोलबाजी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, बैंक अकाउंट में सीधा 6000 रुपया मोदी जी भेजते हैं, मगर यहां से किसानों की सूची और बैंक अकाउंट नहीं देते हैं। अब तक 95000 करोड़ रुपया देश भर के किसानों को गया है, मगर बंगाल के किसानों को कुछ नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के किसान का गुनाह क्या है, क्यों उसको ये 6000 रुपया नहीं मिलता है, क्यों बंगाल के गरीब को ये 5 लाख तक की सुविधा नहीं मिलती है। ऐसी ढेर सारी योजना है और हर महीने एक पत्र लिखती है कि ये पैसा हमें दे दो। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मगर इसके रूल्स बने हैं देश भर में। हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा कि साहब ये क्यों मांग रही है, आपको मालूम है? मैं नहीं मांगता, मैं नहीं समझता क्यों मांग रही है। मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि सार्वजनिक जीवन की सुचिता ही नहीं रहती, ये पैसा कैडर की भेंट चढ़ जाएगा अगर उनके हाथ में गया तो। मगर मैं बंगाल के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, मई के बाद आपके अकाउंट में ये पैसा सीधा मोदी जी भेजने की व्यवस्था करेंगे और आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि मई के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है।